ओके, वेलकम अगेन टू विज्ञान सरोवर चैनल। मैं आपकी एडुकेटर और मेंटर डॉक्टर भारती। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमुअल बेंजर एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो अभी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे इनके बारे में, और इन्होंने जो आर सेकेंड लोकस के बारे में अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। तो सैमुअल बेंजर के एक्सपेरिमेंट माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेस्ट यानी बैक्टीरियोफेज जेनेटिक्स जो डील करते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है। प्लस अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंटेस्ट से बात करें तो वहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और जेनेटिक्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा अलग लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आगे अगर हम लोग देखें जेनेटिक्स में ही देखें तो हम लोग रिकॉम्बिनेशन या लिंकेज और मैपिंग ये सारे की बात करते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास लोअर ऑर्गेनिज्म का एक कॉन्सेप्ट होगा तो हमें आगे आने वाले लेक्चर्स जो जहाँ पे हम लोग और स्पेसिफिक कैलकुलेशंस में हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम लोग बहुत ईजीली रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सैमुअल बेंजर ने एक्चुअली में देखा जाए तो उन्होंने मैपिंग की बात बताई, रिकॉम्बिनेशन की बात बताई और कॉम्प्लीमेंटेशन की बात बताई, और इसी के थ्रू उन्होंने तीन मेजर टर्मिनोलॉजीज को भी दिया जो थे सिस्ट्रॉन, रेकॉन, न्यूटॉन। होप आप सभी इन सारे टर्मिनोलॉजी से को जानते होंगे। तो इन वो उस को अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो कैसे ला पाए, क्या एक्सपेरिमेंट थे, तो उसको देखते हुए हमारा कॉन्सेप्ट इन सभी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था वो बात कर रहे थे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे, कुछ उनके काम थे जो कि उन्होंने बात की थी इंट्राजेनिक एक्सचेंज की। ये क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखते हैं। और इनके इन्होंने बैक्टीरियोफाज पर ही काम किया था, बैक्टीरियोफाज जेनेटिक्स की पूरी स्टडी करते हुए उन्होंने रिकॉम्बिनेशंस को किया की बात कही, और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू करते करते वो फाइन स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कर पाए थे म्यूटेशंस के थ्रू, प्लस मींस टू से डिलीशन मैपिंग की भी जानकारी उन्होंने फर्दर आगे देनी शुरू की थी। ठीक है, सो आगे अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने जो तीन मेजर चीजों को रिजॉल्व किया, क्योंकि उस समय तक 1950 तक बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि जो जीन होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन। तो उन्होंने इसको भी प्रूफ आउट किया कि हाँ ये बात सही है या गलत है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने फोकस की थी वो थी कि जीन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इनडिविजिबल बाय क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब ये है, क्योंकि पहली बात ये कही जा रही थी कि जो भी रिकॉम्बिनेशन इवेंट होता है वो किस में होता है, वो बिटवीन जीन्स होता है। तो इनका यही कहना था कि क्या जीन के अंदर ही विद इन जीन क्या क्रॉसिंग ओवर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। फिर थर्ड जो चीज थी कि जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चेंज, यानी जीन ही वो प्लेस है, वो जगह है जहां पे एक्चुअली में म्यूटेशन पॉसिबल है। तो लेट्स सी कौन सी जो बात कही जा रही थी वो प्रूफ की इन्होंने और या डिसप्रूव की। सो अगर बात कहे सैमुअल बेंजर 1950 में ही उन्होंने जो उनका काम था, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, उन्होंने आर सेकेंड लोकल्स जो था बैक्टीरियोफाज पे उनमें उस जीनोम में उन्होंने काम किया था, दैट वाज फास T4। ठीक, सो जो पहला उनका क्वेश्चन था जीन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन, सो इस बात को उन्होंने सही साबित किया था कैसे, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा। अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसी फंडामेंटल चीज को बताया भी था, वहां रेफर भी किया था जब हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट देख रहे थे, तो वहां पे बात कही कि सैमुअल बेंजर ने कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के थ्रू ही ये बताया कि यस जीन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन। सेकेंड जो बात थी जीन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इनडिविजिबल बाय
क्रॉसिंग ओवर. तो जो ये कहा जा रहा था कि जीन मीन्स विद इन जीन ही क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल होता है, वैसे नहीं होता है. पर इन्होंने इस बात को गलत साबित किया. कैसे? बाय द रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट. थर्ड जो चीज थी उन्होंने कहा कि जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चेंज. तो इसको भी इन्होंने गलत साबित किया. वो कैसे किया? वो किया डिलीशन मैपिंग के थ्रू. तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे वन बाय वन. तो अब आपको दिख रहा होगा ये तीनों ही जो टर्म्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं जेनेटिक्स की बात करें तो. और हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन को हम लोग काफी देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में देखा था, बट थोड़ा सा रीकैप करते हुए चलेंगे क्योंकि उनके सभी एक्सपेरिमेंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं. तो हर की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज उन्होंने अप्रूव या डिसअप्रूव की इन स्टेटमेंट्स को. सो अभी हम लोग कुछ टर्म्स जान लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही टर्म बार बार आ रहे हैं. तो इंटरजेनिक मैपिंग क्या होती है? कि जब क्रॉसिंग ओवर विद इन जीन हो रहा है और उसकी मदद से आप दो जीन के बीच में जब डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं तो वो क्या हो गया? इंट्राजेनिक मैपिंग. और इंट्राजेनिक मैपिंग क्या हो गई? यानी कोई भाई यहाँ पे जीन ए और जीन बी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करना. और एक कोई जीन सी है वहां पे, मान लेते हैं यहाँ ये एलील है और कोई एक एलील है या म्यूटेशन ही हो गया, तो उसको बहुत फाइन तरीके से विद इन जीन ही किसी चीज को मैप आउट करना, चाहे वो म्यूटेशनल साइट्स हों चाहे एलिलिक साइट्स हों, तो उनको मैप करना को क्या कहते हैं? इंट्राजेनिक मैपिंग. सेवर बेंजर ने इसी पर काम किया था, इंट्राजेनिक मैपिंग यानी फाइन स्ट्रक्चर मैपिंग, यानी विद इन जीन ही उन्होंने म्यूटेशंस में क्या बताया कि दो म्यूटेशंस हो रहे हैं या कई डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, उनको मैप आउट कर दिया. ठीक है, तो ये उनकी एक्सपेरिमेंट्स का मेन, अगर देखें डिलीशन मैपिंग का जो हम लोग बात कर रहे थे उनका ये टर्म बार बार आता है, तो ये हमें क्लियर होने चाहिए कि इसमें डिफरेंस क्या है. सेमुर बेंजर के एक्सपेरिमेंट पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि जब हम बैक्टीरियोफाज जेनेटिक्स पे काम करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट फिनोटिपिक ट्रेड ऑब्जर्वेबल जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं प्लैक मॉर्फोलॉजी और होस्ट रेंज. हम लोग इसके बारे में आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट टू रिकैप इट, हम लोग प्लैक मॉर्फोलॉजी में हम लोगों को क्या करना होता है कि अगर आपने बैक्टीरियल प्लेट कोई है और आपने उसमें इन्फेक्शन कॉज किया बैक्टीरियोफाज का, और वहां का एरिया अगर वो क्लीन कर दे रहा है, राइट, किस तरह से वो एरिया प्लाक दे रहा है उसकी मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखना होता है. मान लेते हैं यहाँ पे जो दो प्लेट्स दी हुई है, यहाँ पे ये ईकोलाई के बी स्ट्रेन्स की है और यहाँ पे ईकोलाई के के स्ट्रेन्स की सेल्स यहाँ पे पूरी प्लेट पर थी. इन्फेक्शन होने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे थोड़े से बड़े प्लैक्स हैं या छोटे प्लैक्स हैं, यानी कि हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस बिहाफ पे हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं. दूसरा फिनोटिपिक कैरेक्टर या ट्रेड क्या होता है? हम लोग जस्ट अभी देख के आए हैं कि जो बी सेल्स हैं ईकोलाई की, जो बी स्ट्रेन सेल्स होती हैं उनमें आर सेकेंड वाइल्ड टाइप जो होता है वो भी ग्रो कर पाता है और आर सेकेंड म्यूटेंट्स भी ग्रो कर पाते हैं. तो इस बात को समझने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखना होगा आपको. और दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव होस्ट जो है, जिसमें ईकोलाई जो K12 स्ट्रेन है उसमें सिर्फ वाइल्ड टाइप ही ग्रो करता है. तो वहां भी हम लोगों ने कोट किया था कि वाइल्ड टाइप जो है वो बी में ग्रो कर पा रहा है, पर म्यूटेंट किसी भी प्रकार का कोई म्यूटेशन कॉज हो जाए तो वो बी में तो ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा, पर वो बैक्टीरियोफाज ईकोलाई के K12 स्ट्रेन्स में ग्रो नहीं करेगा, म्यूटेंट ग्रो नहीं करेगा. और इसी का फायदा या एडवांटेज लेकर इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव आउट किया. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी बहुत ही क्लियर इंडिकेशन के साथ एकदम दिया हुआ है कि अगर इसमें देखें कि ये T4 फाज स्ट्रेन्स हैं, R2 ये क्या हो गया, ये वाइल्ड टाइप है, यहाँ पे कोई इस लोकस पे म्यूटेशन है बैक्टीरियोफाज के. तो दिस इज वन कि जहाँ पे आपका बैक्टीरियोफाज जो है वो
कोई म्यूटेशन कॉज नहीं है पर यहाँ पे म्यूटेशन है। तो अब आप देखें कि ये जो वाइल्ड टाइप स्ट्रेन बैक्टीरियोफाज स्ट्रेन है T4 का, वो इक्वलाई के बी स्ट्रेन में स्मॉल और फजी अपीयरेंस दे रहा है, पर वहीं के में भी क्या कर रहा है, स्मॉल और फजी दे रहा है। यानी कि जो वाइल्ड टाइप है वो वाइल्ड टाइप स्ट्रेन बैक्टीरियोफाज का चाहे बी हो या के स्ट्रेन हो, दोनों में ही ग्रोथ कर रहा है, स्मॉल और फजी अपीयरेंस दे रहा है। पर अगर म्यूटेशन हो गया है या अब ये म्यूटेंट कहलाएगा, म्यूटेशन हो गया तो ये म्यूटेंट बन गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां पे वो बी सेल्स में लार्ज और क्लियर दे रहा है, पर के में कोई भी प्लैक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसी के बिहाफ पे अब आप यहाँ पे देखिए कैरी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि ओके उन्होंने क्या किया होगा कि म्यूटेंट्स को फिल्टर आउट या आइसोलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा कि भाई के सेल पे जो जो बैक्टीरियोफाज ग्रो नहीं कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, म्यूटेंट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का वो एडवांटेज लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को आगे कंडक्ट किया, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग फिर से इसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल वे में देखना चाहें, समझना चाहें, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि एक वाइल्ड टाइप है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है। आर सेकेंड लोकस मीन्स वो लोकस जो कि ऐसा पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये प्रोटीन लाइसिस करने के, किसके लाइसिस करने के, इकोलाइसल जिस पर वो इन्फेक्ट करेगा। तो जैसे ही ये बैक्टीरियोफाज चाहे बी सेल हो चाहे के सेल हो उनको अगर इन्फेक्ट कर दे और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है तो हमें क्या होगा, प्लैक्स जो है हमें क्लियर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जिस एरिया पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे बैक्टीरियल सेल्स डाई ऑफ कर गए और आपको इस तरह का क्लियर प्लैक्स रीजन मिलता है, सेम विद द केटल स्ट्रेन ऑफ इकोलाई। पर अगर म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे ऑब्लिक करके ये दिखाया गया है कि आर सेकेंड लोकस पर अगर कोई म्यूटेशन कॉज है या तो आप माइनस कर दें, इस तरीके से सिंबलाइज कर दें, या तो कहीं कहीं बुक्स में आपको सिर्फ आर सेकेंड लिखा हुआ भी दिख सकता है। तो अब ये म्यूटेंट है एक तरह से, तो वो बी सेल पे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और लार्ज प्लैक्स बना रहा है। पर K12 स्ट्रेन पे किसी भी प्रकार का म्यूटेशंस हो तो जो भी म्यूटेंट्स होंगे अगर उनमें इस पर कोई म्यूटेशन कॉज हुआ है तो वो K12 पे क्या होंगे, ग्रो नहीं करेंगे। तो अब हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ गई कि B और K12 इकोलाई के बी सेल्स और K12 स्ट्रेन सेल्स पे बैक्टीरियोफाज इस तरह का प्लैक्स बनाते हैं, वही म्यूटेंट्स जो होते हैं वो बी पर लार्ज और क्लियर प्लैक्स बनाते हैं इकोलाई की बी स्ट्रेन सेल्स पे, पर K12 पे कोई भी प्लैक नहीं बनाते। तो जो बात हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखी इसको और बेटर रूप में हम लोग ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये आर सेकेंड लोकस जो कि हम लोग ने अभी पिछले जो लेक्चर में बात की थी कि किस तरीके से आर सेकेंड लोकस जो है उसके पास ये ए जीन हो गया, ये बी जीन हो गया, कुछ ऐसा ही था। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये ए जीन पर म्यूटेशन कॉज हुआ है, ये म्यूटेशन कॉज हुआ है और यहाँ पे ए जीन में बस साइट थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कॉज हो गया, एक यहाँ म्यूटेशन कोई कॉज हो गया, यहाँ कोई म्यूटेशन कॉज हो गया है। पर आप देख रहे हैं कि ये आर सेकेंड ए पर ही है, ये भी आर सेकेंड, ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है, आर सेकेंड रीजन, राइट, आर सेकेंड रीजन। तो यहाँ पे पर सेम ही में है, यहाँ पे भी इस बैक्टीरियोफाज में क्या हुआ है, ए में यहाँ पे म्यूटेशन और इसमें यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है।
तो क्या हम इसको आर सेकेंड वन और टू करके रिफर कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं? या ओके उसके बाद अगर हम इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देखें, तो यहाँ इस बैक्टीरियोफाज में यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है और इस वाले में यहाँ पे म्यूटेशन यानी दूसरे जीन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने सिंबलाइज कर दिया आर सेकेंड या आर सेकेंड ही, क्योंकि एक यहाँ पे या आप ए बी रेफर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे करने की बात आई है कि ऐसा क्यों हम लोग, क्योंकि बहुत ध्यान देना है कि कौन से म्यूटेशंस की बात हो रही है, सेम जीन में हो रहा है या डिफरेंट जीन में हो रहा है। तो सेम जीन में होने वाले म्यूटेंट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया है, वन और टू कोड कर दिया है। तो अब चाहे, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब ये जो म्यूटेंट्स हैं वो यहाँ पे बी सेल में तो लार्ज और क्लियर प्लैक्स बनाएंगे, पर ये म्यूटेंट्स जो हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम हो गई है वो K12 पे क्या होगा, किसी भी प्रकार का प्लैक नहीं बनाएंगे, राइट? कोई भी डेवलप यहाँ पे ये ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रो करने के लिए उन्हें ए और बी दोनों ही जीन क्या चाहिए, सही चाहिए। क्लियर? तो अब क्या बात हुई, अब ये हम लोगों की प्री इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से सेमर बेंजर ने काम किया। एक बात हुई, हम लोगों ने देखी कि उन्होंने कौन से फिनोटिपिक ट्रेट वो ऑब्जर्व कर रहे थे, कौन सी ईकोलाई स्ट्रेन सेल्स पे वो काम कर रहे थे, और प्लस किस तरह से म्यूटेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। ठीक, तो अब हम लोग पहले उनके काम पे बात करते हैं कि जिनकी जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, और कैसे प्रूव आउट किया उन्होंने, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के थ्रू। ठीक, तो हम लोग सिस ट्रांस टेस्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा क्लियर भी होगा। तो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जो कि लुइस ने लोअर यूकेरियोट्स में डेवलप किया था, ठीक, और पर बेंजर ने क्या किया था, उन्होंने R2 म्यूटेंट्स पे काम किया, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा इसको क्लियर आउट कर दिया कि अब म्यूटेंट्स में भी सिंग एक जीन की बात हो रही है कि या एक एक इस पे प्रॉब्लम है या अलग ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस तरीके एक ही जीन में अलग अलग पोजीशन पे प्रॉब्लम हो तो भी R2 म्यूटेंट्स कहला रहे हैं, या सिर्फ ए में है और या सिर्फ बी लोकस पे है तो भी R2 म्यूटेंट्स कहा जा रहा है उनको। ठीक है, तो क्या उनको क्या था कि अब उन्हें ये पता था कि उनका जो R-second लोकस है उसमें कौन कौन से सेगमेंट है, R2A एंड R2B सेगमेंट्स है। तो उन्होंने अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अगर इसको डायग्राम को देखेंगे तो हम लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए उनका R-second लोकस जो कि हम लोग डिस्कस किए थे, R-second लोकस पे काम था, तो R2A एक हो गया जीन, R2B हो गया। यहाँ पे दिखाया उन्होंने कि कई म्यूटेशनल साइट्स यहाँ पे दिखाई जा रही है। ओके, मेन उनका जो एक तो काम उनका ये था कि अगर हम एक म्यूटेंट लें जिसको कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और एक यहाँ पे म्यूटेशन है, अगर इसको इन्होंने अगर बी सेल्स पे सपोज दिस इज बैक्टीरियल सेल और इन्होंने पहले बैक्टीरियोफाज को इसको इन्फेक्ट कराया और साथ में इसको भी इन्फेक्ट कराया, ठीक, और यहाँ पे इन्फेक्शन के बाद अगर इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, अब देख रहे हैं आप सेम जीन है और क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए तो हमें क्या मिलने की संभावना है, एक ऐसा म्यूटेंट मिलेगा जिसके दो डिफरेंट साइट्स पे हो सकता है और दूसरा एक क्या मिल सकता है, उनको वाइल्ड टाइप मिल सकता है, राइट? वाइल्ड टाइप मिल सकता है क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होगा
तो ये चीज़ यहाँ आ गई और ये नॉर्मल यहाँ आ गया। जिस तरीके से क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें ये पोर्शन आपको क्या देखना है कि ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आपको दो तरीके की पॉसिबिलिटी मिल सकती हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर, क्योंकि उनका एक काम ये भी था कि क्या विद इन जीन क्रॉसिंग ओवर होता है, तो विद इन जीन क्रॉसिंग ओवर होने के लिए उनको क्या प्रूफ करना होगा, उनको ये प्रूफ करना होगा कि अगर दो म्यूटेंट से हम इन्फेक्शन करा रहे हैं, तो दो म्यूटेंट से इन्फेक्शन हो रहा है, तो अगर ये K12 सेल्स है तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देखते आए हैं कि म्यूटेशन होगा तो B सेल्स पे क्या होगी, ग्रोथ होगी, पर K12 पे नहीं होगी। और ओके, तो यहाँ पे दो म्यूटेंट्स आप यहीं पे देख सकते हैं कि अगर हम दो म्यूटेंट्स को यहाँ पे इन्फेक्ट कराए साथ में, तो क्योंकि दोनों ही म्यूटेंट हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम भाई एक जीन में हो गई, अब K12 सेल्स जो है उसमें वो होगा ही नहीं, ग्रोथ होगी ही नहीं। पर इनकी एक हाइपोथेसिस जनरेट उन्होंने कर ली कि अगर मान लेते हैं कि K12 सेल्स में ग्रोथ हो जाती है, K12 सेल्स में ग्रोथ हो जाती है, इसका मतलब है कि विद इन जीन क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो अगर K12 सेल्स में ग्रोथ पाई गई तो जाहिर सी बात है कि वाइल्ड टाइप बन गया, और वाइल्ड टाइप बनने की वजह से ये दिखा होगा कि हाँ क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों म्यूटेंट्स के जीनोम में जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कुछ इस तरीके का नए रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, क्लियर, तो वो K12 पे ग्रो कर जाएंगे। तो अगर कर गए तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो एक्चुअली में उनका फोकस क्या आया कि मुझे ऐसे म्यूटेंट्स चाहिए, राइट, ऐसे म्यूटेंट्स चाहिए जो कि एक ही जीन पर उनके म्यूटेशन कॉज हुआ हो, तभी तो ये प्रूफ होगा कि हाँ क्रॉसिंग ओवर विद इन जीन हुआ और फिर वाइल्ड टाइप जो है K12 सेल्स में ग्रो कर गया। अब पर इस चीज को कि भाई अब उनको कैसे म्यूटेंट्स चाहिए थे जिनका कि एक जीन पे ही म्यूटेशन हुआ हो, पर इसको ऐसे म्यूटेंट्स को ग्रो करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए वो उन्होंने क्या किया, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी हमें एक दिख रहा है, एक तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि ऐसे बैक्टीरियोफाज जहाँ पे हमें एक जीन में प्रॉब्लम हो, यहाँ दूसरे जीन में प्रॉब्लम है, ठीक है, पर यहाँ पे सेम जीन की ही हम लोग बात कर रहे थे, ठीक, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ हम लोगों ने जो रेफरेंस सिंबल थे वो भी समझ लिए हैं, ठीक। तो अब उनको ऐसे आइसोलेट्स या बैक्टीरियोफाज चाहिए थे जो कि क्या हो, सिंगल जीन पर ही म्यूटेशन उनके कॉज हो। तो अगर आप देखें इस प्रेजेंटेशन में, तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे बैक्टीरियोफाज हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि सिंगल जीन में अगर प्रॉब्लम है, सेम जीन में ही इनके प्रॉब्लम है, जीनोम इंसर्ट हुआ तो सेम जीन में ही प्रॉब्लम है, ए प्रॉब्लम है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और कोई भी ग्रोथ K12 सेल्स में ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि हम लोग K12 पे फोकस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने पिछली बात की है कि E. coli के और भी स्ट्रेन्स में, अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो E. coli के मेनली 4 स्ट्रेन्स पे काम किए जाते हैं, जो कि है एक बी स्ट्रेन्स, K12 स्ट्रेन्स, सी स्ट्रेन्स, W स्ट्रेन्स। तो यहाँ पे बात हो रही है K12 और B। तो बी पर तो चाहे वाइल्ड टाइप हो, म्यूटेशन नहीं हुआ हो, तो भी ग्रोथ होगी और म्यूटेंट्स भी ग्रो कर जाएंगे, पर अगर म्यूटेशन कॉज हुआ है तो K12 पे ग्रोथ नहीं होगी। तो इसी का एडवांटेज की बात हो रही थी कि K12 को इन्फेक्ट कराया, ऐसे दो को इन्फेक्शंस कराए जहां पे हमें क्या दिख रहा है, सिंगल जीन में ही म्यूटेशन है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं, ग्रोथ नहीं होगी। तो और दूसरा
कि यहाँ पे ऐसे दो म्यूटेंट्स लिए जो कि एक ए जीन पे और दो जीन पे दूसरे सेकेंड के सेकेंड जीन पे म्यूटेशन था, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ए उसको मिल जा रहा है, यहाँ पे बी ओके मिल जा रहा है, कॉम्प्लीमेंटेशन होगा। हम लोग ने ये बात तो पिछले लेक्चर में की है, पर यहाँ पे हम लोगों को इस इन बातों को कैसे जोड़ना है कि किस तरीके से वो अपने एक जो बात उन्होंने कही कि रिकॉम्बिनेशन और ये सब चीजों पर वो कैसे आए थे। तो यहाँ हम लोग अब जान गए उनके ये जो मेजर एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताने की कोशिश की, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, ऐसे आइसोलेट्स चाहिए थे कि जो कि सिंगल जीन में ही जिनके प्रॉब्लम हो, तभी तो ये क्रॉसिंग ओवर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा पाएंगे। तो ऐसे आइसोलेट्स कब मिल सकते हैं, जब क्या हो, जब ग्रोथ ही नहीं हो K12 पे, और अगर ग्रोथ हो जाएगी यानी कि अलग अलग जीन में म्यूटेशन है, तो अलग अलग जीन वाला म्यूटेंट्स उनको नहीं चाहिए थे, सेम जीन वाले चाहिए थे, तो ये आइसोलेट वो कर सकते थे। फिर उसके बाद अब ये हम लोग बात कर चुके हैं किस तरीके से उन्होंने मिक्स इन्फेक्शन किया और किस तरीके से आर सेकेंड ए और आर सेकेंड बी ग्रुप की बात उन्होंने कही, राइट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। और ये भी डायग्राम हम लोगों ने बात की थी कि इस तरह से कई स्ट्रेन्स जो हैं, अगर पहले स्ट्रेन में हम देख रहे हैं ए में प्रॉब्लम है, सेकेंड स्ट्रेन में ए में प्रॉब्लम है, प्लैक्स हमें नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अब कॉम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं, पर और जो स्ट्रेन्स हैं वहाँ पे क्या है, अलग अलग जीन में प्रॉब्लम है तो हमें प्लैक्स ऑलरेडी मिलेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, तो इसी की स्टडी देखते हुए इसी कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का रिजल्ट उनके सामने वो काम करते हुए क्रॉसिंग ओवर को देखते हुए एक पर एक पहले ही एक चीज और आ गई कि जो सेगमेंट ए है और सेगमेंट बी जो है वो एक डिफरेंट तरह के पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर दोनों ही स्ट्रेन में दोनों जीन में प्रॉब्लम, सेम जीन में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ग्रोथ ही नहीं होती है, प्लैक्स फॉर्मेशन नहीं होते हैं, पर अगर अलग अलग जीन में है तो प्लैक्स का निर्माण होता है। दैट मीन कि एक जीन ए एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड बना रहा है और जीन बी जो है दूसरा पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, यानी जीन ए अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जीन बी अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब ए और बी जब दूसरे अलग अलग जीन्स हो गए, यहीं से टर्म आया स्विफ्ट्रॉन का जो कि बेंजर लाए, तो वो कैसे ले आ पाए, इस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा। तो अब अगर आप लोगों को याद हो तो अब आप हम लोग जो पढ़ते आए हैं अब आप यहाँ पे बहुत इजीली लिंक कर सकते हैं, जो हम लोगों ने प्लांट के केस में पढ़ा था अब आप यहाँ पर भी उन्हीं बातों को मैच कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एलिलिक और नॉन एलिलिक जो प्लांट के केस में बात हो रही थी कि प्लांट वन प्लांट टू को क्रॉस करने के बाद क्या रिजल्ट आया, टू और थ्री और इस तरीके के हम लोगों के पास रिजल्ट्स आते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको देखिए मैच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये एक म्यूटेंट है, ये मान लेते हैं ये एक बैक्टीरियोफाज है जिसके कहाँ पे प्रॉब्लम है या जीन में प्रॉब्लम है, इसके भी जीन ए में मान लेते हैं प्रॉब्लम है, ठीक है, M1 M2 भाई दो सेपरेट रिसेसिव, और इन दोनों के बाद अगर म्यूटेंट ही हमें मिल रहा है, राइट, म्यूटेंट मिल रहा है तो हमें क्या होगा, इसका मतलब सेम जीन में ही प्रॉब्लम है, ठीक। यहाँ पे जैसे अभी ये क्या है, या अगर बात करें, क्योंकि हमें सिर्फ एक पर ही फोकस करना है, यहाँ पे ये म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, म्यूटेंट फेनोटाइप, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, म्यूटेंट फेनोटाइप। उसी तरीके से अगर रिजल्ट ये आ रहा है इन्फेक्शन के बाद की बात हो रही है, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर के बाद के रिजल्ट थे, तो इसीलिए कोरिलेट आप आराम से कर सकते हैं कि यहाँ पे सेंस क्या है कि भाई एक अगर बैक्टीरियोफाज है, सॉरी,
एक बैक्टीरियोफाज है और वो जो है एक एक में प्रॉब्लम है उसके जीनोम में और यहाँ पे आर्टोलोकस पे और यहाँ पे इसके में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल आर्टोलोकस पे ए और बी नॉर्मली काम करेंगे और ये सेल क्या होगी, लाइसिस होगी, यानी ये इकोलाई सेल्स को ईटअप करेगा और प्लैक्स को फॉर्मेशन करेगा। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, ये दोनों मिलके वाइल्ड टाइप बिहेव कर रहे हैं, ठीक। उसी तरीके से ऐसे ऐसे दो बैक्टीरियोफाज जिनमें कि प्रॉब्लम थी तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, म्यूटेंट ही आएगा। और अगर डिफरेंट पोजीशन पे है, एक के डिफरेंट पोजीशन पे है और दूसरे में नॉर्मल पोजीशन है आर्टो लोकस की, तो वहां पे क्या आएगा, या पर्टिकुलर कोई जीन पे वाइल्ड टाइप ही आएगा। तो आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से वाइल्ड टाइप दिख रहा है और म्यूटेंट रिजल्ट होंगे, अगर पिछली चीज आप यहाँ से आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, अगर अगर इफ बोथ ऑफ दीज म्यूटेशन आर प्रेजेंट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में तो है पर म्यूटेंट ही ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं और एक ही जीन में वो प्रॉब्लम हुई है। जैसे अब आप इसको देख सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ही है। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा था, म्यूटेंट मिल रहा था, द प्लांट का केस जो हम लोग ने डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, म्यूटेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट क्या देखकर बता सकते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में भले ही है राइट, पर क्या है, प्रॉब्लम सेम जीन में ही हुई है तो म्यूटेंट ही मिलेगा। तो ये और इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसका अगर और सेंस अच्छे से समझना है तो ये आपका मान लेते चलो K12 पे ही काम हो रहा था, ये K12 E. coli की ये K12 सेल्स है। यहाँ पे एक बैक्टीरियोफाज आया, यहाँ पे एक आया, दोनों का आपने इन्फेक्शन कराया K12 सेल्स में, राइट, K12 सेल्स में कराया, तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक एक के जीनो यहाँ पे प्रॉब्लम है दिस वे, ये R2 R2 A है और ये R2 बी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, ए ही की बात दिखाई जा रही है, तो R2 A के यहाँ पे म्यूटेशन है सपोज, ठीक, और दूसरे के यानी ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक, इसके यहाँ पे म्यूटेशन है, यहाँ पे ऐसे में बना देती हूँ। तो अब आप बताइए कि R2 A में ही इसके भी प्रॉब्लम है, R2 A में इसमें ही प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है K12 जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, सेल्स जो है प्लैक्स नहीं बनेंगे, यानी K12 सेल्स जो वो है वो ईटअप नहीं होंगी। और हमें यहाँ पे आराम से क्या दिख रहा है कि ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है, भले ही ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है पर एक ही जीन की बात हो रही है, सेम एलील की ही में ही प्रॉब्लम था इसके भी और इसके भी, ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी। तो सेम वे आपको यहाँ पे भी इसी तरीके से समझना है, इसको भी ऐसे ही समझना है, पर इफ बोथ म्यूटेशन आर प्रेजेंट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन और वाइल्ड टाइप आपको ऑब्जर्व हो रहा है, यही वाला केस ले लीजिए, ये वाला, तो यहाँ पे क्या था कि जो एक एक के, अब इसी को हम लोग ले लें कि यहाँ पे एक में ए में प्रॉब्लम थी और एक में बी में प्रॉब्लम थी, तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पे हमें वाइल्ड टाइप मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ए ओके है और यहाँ पे बी ओके है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरे जो पढ़ रहे हैं उसको समराइज कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आया था हम लोग के लेक्चर फर्स्ट में और आज ये जो लेक्चर डिस्कस हो रहा है, तो आप समराइजेशन में ये दोनों ही पिक्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी और आसानी से आपका रिविजन हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स, राइट। तो ये एक
कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि सिस जीन एक ही हो, जीन एक ही है, यहाँ पे जीन एक की बात हो रही है, यहाँ पे जीन एक ही है, ठीक है, और यहाँ पे दो जीन की बात हो रही है, ठीक, यहाँ पे भी जीन एक ही है, जीन एक है, पर एक एक ने जो डोनेट किया वो क्या था, उसका खराब था, पर इसका सही था, इसलिए वाइल्ड टाइप, आई थिंक समझ रहे होंगे। फिर से इसको एक बार अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये बैक्टीरियोफाज एक आया, एक दूसरा बैक्टीरियोफाज आया था, उसने इस बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट किया, पर इसके R2A के यहाँ पे म्यूटेशन था, ठीक है, और यहाँ पे R2B में म्यूटेशन नहीं था, इट वॉज ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी बात, दूसरे के दूसरे में R2A सही था, मतलब ऐसे, अब इसको अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, अब अगर हम लोग बैक्टीरियल सेल में क्या चीज गई, क्योंकि B को यहाँ पे नहीं दिखाया गया, यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को दिखाया जा रहा है, इस पार्ट को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ए में प्रॉब्लम थी और यहाँ पे ये वाला जो आया इसका ए सही था, बी को नहीं दिखाया जा रहा है, तो कहने का सेंस क्या हो गया कि अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ए काम करेगा तो बी ऑब्वियसली काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें वाइल्ड टाइप मिला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस और ट्रांसपोजिशन भी इफेक्ट कर रहा था जीन को पॉलीपेप्टाइड बनाने में या नहीं बनाने में, या फेनोटिपिक एक्सप्रेशन देने में या नहीं देने में। तो इसीलिए जो आप वर्ड सुनते हैं सिस्ट्रॉन, तो सिस्ट्रॉन जो वर्ड आया वो क्या, वो एक तरह से सिस्ट्रॉन जो है वो ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं वर्ड आ गया जीन के ही रेफरेंस में, जीन के ही रेफरेंस में। इट इज द एलिमेंट इन अ जीन विच एनकोड्स अ पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। द टर्म सिस्ट्रॉन रिफर्स टू अ टेस्ट कॉल्ड सिस ट्रांस टेस्ट, राइट, विच इज सिमिलर टू अ कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। द टर्म सिस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन, ठीक। तो पहला उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, या जो काम हम लोगों ने कहा कि कॉम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, टेस्ट के द्वारा उन्होंने ये प्रूफ किया कि द जीन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन, पर उन्होंने क्या नाम दिया इसको, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्यों नाम दिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के दौरान ये बात सामने आई कि सिस ट्रांस भी अपना एक इफेक्ट दिखाते हैं, भले ही एक सिंपल जीन की बात हो रही है, बट वहां पे भी एक तरीके से एक इफेक्ट सामने आता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इन रिलेशन टू सिस ट्रांस टेस्ट दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन, और यू कैन से द मेन टर्म जो आ गया सिस्ट्रॉन। और यहाँ पे जो सिस्ट्रॉन है एक तरह से वो जीन का अल्टरनेटिव वर्ड ही है, और उन्होंने भी कहा द टर्म सिस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन। So, अब हम लोग बात आते हैं दूसरी, जीन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इनडिविजिबल बाय क्रॉसिंग ओवर। ये भी बहुत, और हम लोग ने बात भी की कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के दौरान ही जब उन्हें एक ऐसे बैक्टीरियोफाज चाहिए था जिनका म्यूटेशन एक ही जीन पर हुआ हो, तभी वो प्रूव कर पाएंगे कि विद इन जीन क्रॉसिंग ओवर होता है कि नहीं। दो अलग अलग जीन में म्यूटेशन होगा, यानी ए में म्यूटेशन हो रहा है, बी में म्यूटेशन हो रहा है, तो वहां क्रॉसिंग ओवर तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका था, पर यहाँ पे क्या बात आ रही थी कि एक ही जीन में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो ये इन्होंने गलत साबित किया, क्योंकि ये लोग जो जीन कॉन्सेप्ट जब दिया जा रहा था तो वहां पर बात क्या आ रही थी कि विद इन जीन, सॉरी बिटवीन जीन जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे इस डायग्राम को हम लोग देखें कि ये ए बी सी डी ई ये सब क्या रेफर कर रहे हैं, ये एक एक जीन रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है कि जो ये जो स्मॉल डी है ये ऊपर चला जाए, कैपिटल डी यहाँ आ जाए, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। पर वो क्या जानना चाह रहे थे कि ये जो ई है ये ई है,
ये यहाँ पे क्या होंगे, सीक्वेंसेस होंगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे, यहाँ पे इसके अपने कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे, क्या इसमें ही क्रॉसिंग ओवर हो सकता है? तो हम लोग अगर देखें तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है क्योंकि ई और एफ में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, राइट? पर हम उनको क्या चेकआउट करना था, यहाँ पे ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, उनको क्या चेकआउट करना था, विद इन जीन। इस तरीके से इनके सीक्वेंसेस में ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से क्या क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। इसी के लिए तो, हालांकि इन्होंने जो पहले बात कही जा रही थी, नहीं क्रॉसिंग ओवर तो इसी में पॉसिबल है, इन्होंने इसको इस बात को गलत साबित किया, कैसे, अपने रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कराते हुए कि विद इन जीन भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, नए रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं। तो इन्होंने कैसे इस बात को साबित किया, तो उन्होंने, बेंजर वॉज एबल टू यूज जेनेटिक सिस्टम इन विच एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल ऑफ रिकॉम्बिनेशन कुड बी डिटेक्टेड। The smallest unit of mutation and recombination are now known to be correlated with single nucleotide pairs. यानी nucleotide pairs के बीच में भी mutation, recombination हो सकता है। तो उन्होंने बहुत successfully experiments को design किया, recombinations events को observe किया, बार बार infection procedure cause करके और बेहतरीन results के साथ वो सामने आए, और आगे fine structure analysis के through उन्होंने deletion mapping का भी concept दिया था। पर अभी हम लोग इसी की बात करते हैं कि उन्होंने hypothesis पहले क्या develop की, अब हम लोग ये जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप बहुत easily देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा R2 locus है, ठीक है? और ये R2 locus में क्या है, एक बैक्टीरियोफाज में यहाँ पे एक ही जीन है, ये एक सेम जीन है, पर एक बैक्टीरियोफाज में म्यूटेशन यहाँ पे है, दूसरे म्यूटेंट्स में म्यूटेशन यहाँ पे है। एवरी टाइम जब हम म्यूटेंट्स बोल रहे हैं, म्यूटेंट्स का मतलब क्या हुआ कि उनके किसी पर्टिकुलर पोर्शन जीन के कोई म्यूटेशन हुआ है, ओके? तो R2 म्यूटेंट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पे R2 म्यूटेंट्स दो प्रकार से हो गए, एक R21 और एक R22। तो इनमें क्या है, माइनस प्लस, ये क्या है, आपको इस तरीके से भी रेफरेंस हम कर सकते हैं। मैंने इस जीन को निकाला, मैंने इस तरीके से इसके सिंबल को क्या किया, यहाँ पे माइनस मीन्स यहाँ पे फंक्शन नहीं है, यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, राइट? यहाँ पे नॉर्मल है, पर इसके, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया, यहाँ पे ओके है, यहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं है, पर यहाँ पे म्यूटेशन है, ठीक है? तो अब इसमें भी हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक वाइल्ड टाइप है, ठीक? वाइल्ड टाइप में क्या है कि, यानी आप अज्यूम करिए कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर जीन ए में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? तो यहाँ पे हम इसको प्लस और प्लस डिनोट कर सकते हैं, तो ये प्लस और प्लस। अब जो ये प्लस प्लस कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप ये सोचिए कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, ए और टी होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जी सी होना चाहिए, पर क्या होता है कि कुछ म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे आप ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन म्यूटेशन जानते हैं, जहाँ पे फिर न्यूक्लियोटाइड पेयर क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम उसमें डिटेल में ना जाते हुए हम ये कहते हैं यहाँ एटी होना चाहिए पर हो गया सीजी, ठीक है? यहाँ जीसी है तो यहाँ तो ओके है, ठीक? तो म्यूटेशन का मतलब ही यही है कि वहाँ पे जो थे पेयर्स वो चेंज आउट हो गए। यहाँ पे क्या है, 80, यानी इस वाले में यहाँ 80 होना चाहिए पर तो वो तो है, और यहाँ पे GC होना चाहिए तो क्या हो गया, 80 हो गया, क्योंकि वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो 80 GC। तो नॉर्मल A जीन कैसा होता, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता। अब उन्होंने, उनकी जो हाइपोथेसिस थी, उन्होंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा म्यूटेंट ले लूं जो एक पोजिशन पे म्यूटेशन हो, और एक ऐसा म्यूटेंट ले लूं जो कि नेक्स्ट पोजीशन पे विद इन सेम ही जीन म्यूटेशन हो, नेक्स्ट पोजीशन पे विद इन सेम जीन म्यूटेशन हो, क्लियर?
और उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, अगर इस पोजीशन पे, क्योंकि जीन तो सेम ही है ये, बस एक उसमें प्रॉब्लम हो गई है एक डिफरेंट पोजीशन पे, तो अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो एक हमें ये म्यूटेंट मिलेगा, राइट, ये सीजी इधर आ गया और ये एटी इधर चला गया, एक म्यूटेंट, नया म्यूटेंट कोई मिल जाएगा जिसके कि दोनों ही पोजीशन पे क्या होगा, एक जीन के मतलब इस तरीके से ये आ जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा और एक क्या आएगा, वाइल्ड टाइप आ जाएगा, देख रहे ये एटी जीसी वाइल्ड टाइप आ जाएगा, और अगर ये वाइल्ड टाइप इनको हम मिल गया तो ये जरूर K12 पे ग्रो करेगा। अब आप दिमाग, अगर आपको शुरू से चीजें समझ में आ रही है तो आप आराम से दिमाग लगा सकते हैं कि अगर E. coli की K12 सेल है, उसमें आपने इसको बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट करा है, इसको कराया, ये दोनों ही तो जीन ए में क्या है, इनके प्रॉब्लम है ना, अभी कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट में ही देखा हम लोगों ने जीन ए में, अब ये दोनों आएंगे तो इनके जीन ए में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, इसके थोड़े इधर प्रॉब्लम है, इसके थोड़े, अब हम बी को थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं, बी ए, ठीक है, ठीक है, तो इसके यहाँ प्रॉब्लम है, इसके यहाँ प्रॉब्लम है, तो ये तो ए जब खराब होगा तो जाहिर सी बात है K12 किल अप नहीं हो पाएगा, और K12 की प्लेस आप लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्लैक्स का फॉर्मेशन दिखेगा नहीं। पर इन्होंने कहा कि अगर ये दोनों कोई मैंने डाला और अगर K12 में ग्रोथ आ गई, यानी कि वाइल्ड टाइप बना है, और वाइल्ड टाइप बनेगा कैसे, इन लोगों में ही विद इन जीन ही क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ठीक है, तो ये इनका इनकी हाइपोथेसिस थी। तो अब ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं हम लोग कि इन्होंने इन्फेक्ट कराया, अगर हम इन्फेक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या प्रोजेनी मिलेगी, हमें प्रोजेनी मिलेगी कि एक तो जो नॉर्मल प्रोजेनी है ये तो मिलेंगे, जो पैरेंटल है वो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये सभी क्या है, बी सेल्स में तो ग्रो होंगे ही होंगे, ठीक, चाहे R21 म्यूटेंट हो या R2 म्यूटेंट हो, राइट, ये बी सेल्स में ग्रो तो दोनों ही करते हैं, हम लोगों को ये पता है, वाइल्ड टाइप जो है वो दोनों में ही ग्रो करता है, म्यूटेंट जो है वो बी सेल्स में ग्रो करते हैं पर इसमें ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर इन लोगों ने इन्फेक्शन कराया इन्होंने तो बी सेल्स में क्या होगा, बी सेल्स ईट अप होगा और प्लैक हमें मिलेगा, ठीक, पर हमें कुछ पैरेंटल कॉम्बिनेशन यानी R21 वाले म्यूटेंट्स ज्यादा मिलेंगे, R22 वाले भी म्यूटेंट्स, पर जो नए रिकॉम्बिनेंट हैं, यानी नए रिकॉम्बिनेंट मतलब कि जहां पे माइनस माइनस इंडिकेशन था, और जो वाइल्ड टाइप है वो हमें कम मिलेंगे, और ये भी ये वाले म्यूटेंट्स जो नए रिकॉम्बिनेंट में आए हैं वो बी सेल में ग्रो करेंगे या आप बी सेल में ग्रो करेंगे या उनको ईट अप कर सकते हैं या कह सकते हैं प्लैक का फॉर्मेशन होगा, पर इसमें क्या होगा, K12 में तो ये कोई भी नहीं होगा, ग्रोथ नहीं करेगा, पर वाइल्ड टाइप अगर बन गया तो हमें प्लैक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया इन्होंने, जैसे एक जो एक ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको यहाँ पे कि R2 फर्स्ट म्यूटेंट था, R2 सेकेंड म्यूटेंट था, R2 फर्स्ट का मतलब क्या है कि वो ए जीन पर ही दोनों, इन दोनों के ही ए जीन में ही प्रॉब्लम थी पर अलग अलग पोजिशंस पे प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बी सेल्स पे इनको इन्फेक्ट कराया, तो बी सेल्स को जब इन्फेक्ट कराने के बाद क्या किया, कुछ देर बाद जो है ये सारे बी सेल्स जो है वो ईट अप होते जाएंगे, बैक्टीरियोफाज बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, ये दोनों ही बी सेल्स में ग्रो कर सकते हैं, फिर क्या किया जाएगा, इनको फिल्टर कर लिया जाएगा, देखिए इनको फिल्टर कर लिया गया, अब इनको फिल्टर करने के बाद जो है इनकी एनालिसिस की जा सकती है, तो दिस इज एन ओवरऑल व्यू कि एक्चुअली में क्या किया जाता है, तो अगर हम लोग देखें तो हुआ क्या होगा उस फ्लास्क में
कि R21 ये A ही है, B यहाँ नहीं दिखाया गया है। बैक्टीरियोफाज, ये दो बैक्टीरियोफाज का जीनोम दिखाया जा रहा है जहाँ पे A लोकस पे, क्योंकि इस तरफ म्यूटेशन है जो हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं, ये दूसरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन कि इस बैक्टीरियोफाज का ये डीएनए जीनोम है, ये जो यहाँ पे इसके ए जीन में इस तरफ म्यूटेशन हो गया है, यहाँ पे ये नॉर्मल है आटो सेकेंड में, यहाँ पे ये नॉर्मल है पर इस तरफ कोई म्यूटेशन हो गया है। जब बी सेल्स में ये कर रहे थे, ये दोनों ही को इन्फेक्ट कराया गया, तो क्या हमें मिलेगा? अगर हम लोग जीनोटाइप के बारे में बात करें तो हमें पैरेंटल जीनोटाइप इस तरह वाले बैक्टीरियोफाज तो मिलेंगे ही, इस तरह वाले भी बैक्टीरियोफाज इजीली ग्रो करेंगे, पर हमें रिकॉम्बिनेंट भी मिलेंगे अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, यानी माइनस माइनस एंड प्लस प्लस, और प्लस प्लस मिल गया यानी हमें वाइल्ड टाइप मिल गया, और अगर हमें वाइल्ड टाइप मिल गया तो इसका मतलब है हमें बेटर ग्रोथ K12 में दिखेगी। यहाँ पे भी उसी चीज को अलग तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश की गई है और थोड़ा एक्सप्लेनेटरी बना दिया गया है कि यहाँ पे वही बात कि आपके बैक्टीरियोफाज है अलग अलग, एक ही सिंगल जीन पर म्यूटेशन है, अलग अलग साइट्स पर म्यूटेशन है, बी सेल्स पर इनको इन्फेक्ट कराया गया, कुछ देर बाद क्या होगा, सारे बी सेल्स जो है वो ईटअप कर दिए जाएंगे, सिर्फ आपको इस तरीके के बैक्टीरियोफाज यहाँ पे ग्रोथ दिखेगी, पैरेंटल वाले ज्यादा दिखेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट कम दिखेंगे, पर अगर ये दिख गया यानी वाइल्ड टाइप दिख गया तो वाइल्ड टाइप जो है हमें दोनों में ग्रोथ देगा, सिर्फ वाइल्ड टाइप K12 में देगा। अगर वाइल्ड टाइप मिल गया हमें तो इसका मतलब हुआ कि क्रॉसिंग ओवर पॉसिबली हुआ था, तो ये हम कहते हैं ये हमें रिकॉम्बिनेंट मिला और यहाँ हमें डबल म्यूटेंट्स ऑब्जर्व हुए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइल्ड टाइप और अलग अलग म्यूटेंट्स डेवलप हुए। तो हम लोगों ने बहुत इजीली समझ लिया कि भाई वाइल्ड टाइप जो है वो बी और K12 में ही ग्रो करता है, R2 जो म्यूटेंट्स होते हैं वो बी सेल में ग्रो तो करते हैं बट अलग तरह की प्लाक की कॉलोनी का निर्माण करते हैं पर K12 में ग्रो नहीं करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग अलग म्यूटेंट्स लिए, जो कि ये म्यूटेंट्स एक ही जीन पर ही प्रॉब्लम जनरेट कर रहे थे और अलग अलग साइट्स पर, और अगर रिकॉम्बिनेशन इनमें पॉसिबली हो जाता है, एक ही जीन में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो वाइल्ड टाइप मिलेंगे और ये जो वाइल्ड टाइप है वो K12 सेल्स में ग्रो करेंगे। तो हमें पता है जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो क्या है, एक तो माइनस माइनस है और ये प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस वाला जो होगा यानी कि जो नए वाइल्ड टाइप होंगे, हम लोग बार बार इस बात पर कोट कर रहे हैं कि सिर्फ वाइल्ड टाइप ही K12 सेल्स में ग्रो करेगा। तो अब अगर हमने इसको गिन लिया, अगर ग्रो कर लिया और आप इसको गिन लीजिए, तो मान लेते हैं 20 प्लैक्स बने थे, तो जब 20 प्लैक्स क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें मिले तो जरूर 20 जो 20 होंगे वो डबल म्यूटेंट्स भी होंगे क्रॉसिंग ओवर के, पर अब हम इनको तो गिन नहीं सकते हैं, ठीक, पर हम इनको गिन सकते हैं, तो ये हमारे कैलकुलेशन का पर हिस्सा बन जाएंगे डबल म्यूटेंट्स। ये पैरेंटल थे, क्रॉसिंग ओवर होगा, राइट, ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से हमें डबल म्यूटेंट्स और वाइल्ड टाइप अगर मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट में, पर हम डबल म्यूटेंट्स को तो ऑब्जर्वेबल ठीक से नहीं कर सकते। ये वाइल्ड टाइप को हम लोग गिन सकते हैं क्योंकि सिर्फ वाइल्ड टाइप ही K12 प्लेट पर ग्रो करेंगे। अगर 20 ये ग्रोथ हुई है तो जाहिर सी बात है 20 जो है वो डबल म्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी कैलकुलेशन को आगे देखिए, रिकॉम्बिनेंट वाइल्ड टाइप है तो 20 डबल म्यूटेंट्स होंगे तो 40 रिकॉम्बिनेंट फाज बनेंगे। इन दोनों को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों ही 40 रिकॉम्बिनेंट फाज बन रहे हैं। फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, 2 × नंबर ऑफ वाइल्ड टाइप, मींस नंबर ऑफ वाइल्ड टाइप कितने थे, 20 × 2 = 40, फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी,
तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मीन्स नंबर ऑफ प्लैक्स ऑन बी सेल्स, तो बी सेल्स में सभी ग्रो करते हैं इसलिए हम लोग ने उनको काउंट कर लिया, और ये नंबर ऑफ प्लैक्स ऑन K12 क्योंकि K12 में सिर्फ वाइल्ड टाइप ग्रो करेगा, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सामने आ जाएंगे हमारे कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है, नंबर ऑफ प्लैक्स ऑन बी सेल्स को पता करने के लिए भी थोड़ा सा हमें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये दिया था कि ये जो म्यूटेंट्स हैं जब ये इनको इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराने के बाद हम लोगों ने जो आइसोलेटेड बैक्टीरियोफाज थे उनका फिर से थोड़ा डायल्यूशन करेंगे, और जितना हम डायल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि डायल्यूशन भी अपने आप में एक सीरियल डायल्यूशन एक टॉपिक हो जाता है, तो वो हमारे एक और चैनल है विटर्जिन बायोटेक चैनल, वहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इसको कि सीरियल डायल्यूशन की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। सो अभी अगर हम लोग इसी चीज़ को देखें तो यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियोफाज ईटअप कर लिया उन्होंने बी सेल्स को, हम लोगों ने इनका डायल्यूशन मतलब सीरियल डायल्यूशन मतलब वाटर डाल के और इसको थोड़ा डायल्यूट करते हैं, डायल्यूट करने के बाद जो है हम इस एक हम लोगों ने ट्यूब ली, फिर ट्रांसफर किया, फिर ट्रांसफर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें कितनी 10^6 राइट, तो ये हमें इस वाली ट्यूब को लेकर हम प्लेट करते हैं बी सेल्स में, कॉलोनी को काउंट करते हैं, जितनी कॉलोनी आती है उसको यहाँ पे प्लेस आउट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने डाइल्यूशन फैक्टर से। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 220 क्या हो गया, जो के 12 सेल्स में सिर्फ वाइल्ड टाइप ग्रो किए थे वो हो गया, मल्टीप्लाई किया 2 से 2 से, क्योंकि डबल म्यूटेंट भी इंक्लूड किए गए, फिर और ये आपके नंबर ऑफ प्लैक्स बी सेल्स में मान लीजिए 100 आए हैं। ठीक, तो वो 100 जो आपने काउंट किए हैं वो किस में काउंट किए हैं, इस वाली ट्यूब से निकाल के काउंट किए थे, बी सेल्स पे ही प्लेट किया था, तो इसका आपने कैलकुलेशन कर किया फर्दर तो आपको ये रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से जो आ रहा है 0.0000004 जो है वो डिस्टेंस हो गया एक तरीके से उन दो म्यूटेंट साइट्स का जो हम लोगों ने बात की। जो हम लोगों ने बात की थी कि एक यहाँ प्रॉब्लम है, कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो इन दोनों के बीच का जो म्यूटेशन साइट्स में जो मैप किया उन्होंने वो क्या था, वो ये था। तो इसी तरीके से फिर नया उन्होंने टर्म एक दिया रिकॉन। तो रिकॉन क्या है, दे आर लोकेशन विद इन अ जीन विच पार्टिसिपेट इन रिकॉम्बिनेशन। There is a minimum distance between recons within a gene and recombination cannot occur within a recon. The term recon is a unit of recombination. तो जैसे ही जैसे सिस्ट्रॉन को बोला गया कि सिस्ट्रॉन is a unit of function, उसी तरह recombination या recon unit क्या है वो एक specific कह सकते हैं distance है जहाँ पर recombination possible होता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज प्रूव की। सो नेक्स्ट हम लोगों के लिए थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंटेशन और रिकॉम्बिनेशन की बात को पूरा कर लिया है, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि जो कॉम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक तरीके से ट्रांस टेस्ट होता है, और ये जो ट्रांस टेस्ट होता है वो फंक्शनल एलिज्म की बात करता है, क्योंकि वहाँ पे आप दो रेसेसिव म्यूटेशंस को उनकी प्रोजेनी को ऑब्जर्व करते हुए बता सकते हैं कि जो म्यूटेशन हुआ है वो सेम जीन में हुआ है या डिफरेंट जीन में हुआ है। ओके, सो वो किस आधार पे बताते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन के आधार पे बताते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड इट लॉट मोर। रिकॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर एलिलिज्म के बारे में जानकारी देता है। तो दिस टू टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंटेशन इज रिलेटेड टू फंक्शनल एलिलिज्म एंड रिकॉम्बिनेशन इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एलिलिज्म। ठीक, तो द अकरेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट म्यूटेशन एट द सेम साइट ऑन द क्रोमोजोम इज डिटरमाइंड बाय द रिकॉम्बिनेशन टेस्ट। ठीक,
तो हम लोगों को अगर ये देखना हो कि रिकॉम्बिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि भाई एक ही जीन है उसमें दो दो म्यूटेशन हुए और इनमें रिकॉम्बिनेशन टेस्ट के द्वारा हम उनके स्ट्रक्चरल एलिलिज्म के बारे में बता सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन में एक्चुअली में एक्चुअल ब्रेकेज होता है क्रोमोसोम्स का या उसका जीनोम्स में अगर हम बात कर रहे हैं, और हमें दो तरीके की चीज़ें मिलने की संभावना हुई, वाइल्ड टाइप मिला और डबल म्यूटेंट मिला। तो अगर ऑब्वियसली बात है, कई तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एलिलिज्म कौन बताता है, रिकॉम्बिनेशन टेस्ट बताते हैं, फंक्शनल एलिलिज्म कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट बताता है, एक्चुअल ब्रेकेज कॉम्प्लीमेंटेशन में कोई ब्रेकेज नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं कि किस तरीके से जीन्स जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन में हमें डबल म्यूटेंट या इस तरह का चीज नहीं मिल रही है, रिकॉम्बिनेशन में हमें वाइल्ड टाइप और डबल म्यूटेंट मिलते हैं। तो देखिए कितना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो टू म्यूटेशन दैट डू नॉट रिकम्बाइन आर स्ट्रक्चरली एलीलिक, द म्यूटेशन आइदर ऑकर एट द सेम टाइम्स और ओवरलैप अ कॉमन साइट। इस ओवरलैपिंग के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, सो हाँ, एक बात और, हम लोग ने जो अभी तक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, बार बार हम लोग जो बात कहते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं और उनको इन्फेक्ट किया जाता है बैक्टीरियोफाज के थ्रू, बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट या को इन्फेक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक ने इन्फेक्ट किया, एक बैक्टीरियोफाज ने, दो, पर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि एक समय में कितने बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट कर रहे हैं। पर इसके लिए एक कैलकुलेशन आती है, राइट, जिसे हम कहते हैं MOI, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो ये बिल्कुल थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, तो ये हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखने की बात है कि हम लोग तो यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ, इन दो को साथ साथ को इन्फेक्शन हो रहा है, दो बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, पर आपके ये कंट्रोल में नहीं होता। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे, उसके कैलकुलेशन को। अब आते हैं सिमन बेजर के तीसरी एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू, तीसरे एक्सपेरिमेंट या तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जिन्होंने डिसअप्रूव किया कि जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चेंज। कैसे किया? डिलीशन मैपिंग के थ्रू। तो मेंजर ने, जैसा कि हम लोगों ने देखा, मैपिंग प्रोसेस को किया, और भी तरह के मैपिंग प्रोसेस उन्होंने किए, जहाँ पे उन्होंने पॉइंट म्यूटेशन और डिलीशन की बात की। बेंजर वॉज एबल टू स्पीड अप द मैपिंग प्रोसेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिस्कवरी दैट सम ऑफ हिज म्यूटेंट्स डिड नॉट हैव पॉइंट म्यूटेशन बट डिलीशन इंस्टेड। क्योंकि कहीं कहीं पे अब क्या, अभी हम लोगों ने जो बात की थी वो पॉइंट म्यूटेशन की बात की थी, और पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फेनोमेना को प्रूफ किया एक ही जीन में और अपनी बात बताई। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बात किया कि कुछ ऐसे भी म्यूटेंट्स थे जहां पे पॉइंट म्यूटेशन ना होके सीधे का सीधे पूरा एक डिलीशन था। तो अमंग बेंजर कलेक्शन ऑफ R2 म्यूटेंट्स देयर वर सम दैट शोड एक्सट्रीम स्टेबिलिटी नो रिवर्जन। तो कुछ ऐसे म्यूटेंट्स भी थे जहां पे वाइल्ड टाइप नहीं मिल रहा था। अभी जो हम लोगों ने बात की कि पॉइंट म्यूटेशंस में रिकॉम्बिनेशन हुआ विद इन टू म्यूटेशंस, टू पॉइंट म्यूटेशन आप कह सकते हैं, तो वहां पे हमें वाइल्ड टाइप मिल रहा था। पर ऐसा भी है कि भाई हमें नहीं मिला, ठीक। मेनी सच स्टेबल म्यूटेंट ऑल्सो डिड नॉट ईल रिकॉम्बिनेट वेन क्रॉस विद सेवरल स्पेसिफिक म्यूटेंट्स। These results suggested that these mutants have suffered lessons in multiple site deletion as a result of which they can neither revert nor undergo recombination. तो उन्होंने बहुत सारे म्यूटेंट्स पर काम किया था, लगभग मतलब साइट्स लगभग 200 से अधिक उन्होंने बताई थी, और कई म्यूटेंट्स को आइसोलेट करके ये सारी चीज़ों को देखा, और उन्होंने बहुत म्यूटेंट्स को ऑब्जर्व किया कि इतने के इन्फेक्शन के बावजूद जो है उन्हें वाइल्ड टाइप नहीं मिल रहा। तो उन्होंने बताया या उनको रिजल्ट मिला कि एक्चुअली में वहां डिलीशंस भी हो रही हैं, ठीक। और रिकॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, पॉसिबली क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डिलीशन और म्यूटेशन
शायद ओवरलैप कर रहे हैं, और इस ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग फिनोमेना का ही इस्तेमाल करके उन्होंने डिलीशन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन फेज डिलीशंस they are identified by their stability and their failure to have second mutation which revert them to the wild type. Further recombination does not occur in the region of deletion. In deletion mapping, a phage with a deleted segment and another phage carrying a mutation at the identical site as the deletion are used in mixed infection of the strain E. coli B cells, their progeny is plated on K12 lambda cells. मेन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस डायग्राम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे आप देखिए कि एक ये बैक्टीरियोफेज है जहां पे डिलीशन हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, डिलीशन हुआ है, और एक ये है जहां पे म्यूटेशन हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन जैसे ATGC हम लोगों ने देखा, और यहाँ डिलीशन हुआ है। फिर उसी दूसरा अगर हम लोग देख रहे हैं कि म्यूटेशन इधर हुआ है, ठीक इसके यहाँ पे क्या है, क्या डिलीशन और पॉइंट म्यूटेशन क्या ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग फेनोमेना है। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर के बाद रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा कि ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये पूरा ब्लैक पोर्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि अगर एक बैक्टीरियोफेज जिसके पास एक म्यूटेंट कह सकते हैं जो कि डिलीटेड हो गया है, जिसके अंदर डिलीशन था, क्योंकि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे म्यूटेंट्स ऐसे भी थे कि जो रिवर्ट बैक, यानी उनको क्या नहीं मिल रहा था, वाइल्ड टाइप नहीं मिल रहा था। तो वहां पे बात कही कि कई बार ऐसे इन्फेक्शन करा के उन्होंने इस बात को प्रूव आउट किया कि मान लेते हैं ये एक म्यूटेंट है और ये दूसरा म्यूटेंट है, यहाँ पे उसके डिलीशन पूरा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर अगर होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइल्ड टाइप हमें मिल रहा है और यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरह से कह सकते हैं डिलीशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, तो ये दूसरे डबल म्यूटेंट कह सकते हैं इसको। दूसरा केस, यहाँ पे एक थर्ड आप म्यूटेंट ले लो या फोर्थ म्यूटेंट ले लो, यहाँ पे क्या डिलीशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। अब ये डिलीशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, यहाँ पे ओवरलैपिंग, अब यहाँ अगर क्रॉसिंग ओवर आता है तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो वही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबली हमें कोई रिजल्ट खास नहीं मिलेगा, यानी वाइल्ड टाइप हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे वाइल्ड टाइप हमें मिल रहा था। तो इफ द डिलीशन एंड द नोन म्यूटेशन ऑक्यूपाई द सेम साइट, तो डिलीशन एंड म्यूटेशन अगर एक ही साइट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो कोई भी वाइल्ड टाइप हमें रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक, बट इफ द साइट्स आर डिफरेंट, अगर साइट्स डिफरेंट है, डिलीशन यहाँ है, पॉइंट म्यूटेशन यहाँ है, तब हमें क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट वाइल्ड टाइप हमें मिल सकता है जो कि नॉर्मल हो, और वो K12 वाइल्ड टाइप का मतलब क्या हुआ, वो K12 सेल्स पे ग्रो करेगा क्योंकि म्यूटेंट्स ग्रो नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का म्यूटेंट्स होगा वो K12 E. coli के K12 स्ट्रेन पे ग्रो नहीं करेगा। ठीक, तो ये बात को ध्यान में रखना है। बाय टेस्टिंग अ डिलीशन विद अ नंबर ऑफ नोन म्यूटेशन द लेंथ ऑफ अ डिलीटेड सेगमेंट कैन बी डिटरमाइन। ठीक, तो इसी के उस पे हम आप आराम से सेगमेंट्स और म्यूटेशंस कहाँ पे है वो उसको मैप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल के उसमें ही कि देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा एक R2 रीजन है और यहाँ पे क्या हुआ है, डिलीशन हुआ है, ये पॉइंट म्यूटेशन था, यहाँ डिलीशन, ये मान लीजिए ये सब D1 D2 ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये एक तरह से म्यूटेंट्स है, बैक्टीरियोफाज म्यूटेंट्स, यानी ये D1 से D7 तक एक तरह से ये सब क्या है, D1 D2 D3 ये बैक्टीरियोफाज हैं जो कि अलग अलग या तो डिलीशन हुआ है या तो म्यूटेशन हुआ है या दोनों हुआ है, इस तरह से ये है। तो
अब अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर कराई जाए, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, इनको इन्फेक्ट कराया जाए बैक्टीरियल सेल में, तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो D2, D3, D4 और D6 को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि D2 का जो डिलीशन है ये D4 को भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, D4 D3 को भी ओवरलैप कर रहा है और D6। अभी देखिए ये D6। तो अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी D2 और D3 को आप क्रॉसिंग ओवर कराइए, तो क्या कोई वाइल्ड टाइप मिलेगा? नहीं मिलेगा। या D3 या D4 को कराइए, तो क्या क्या मिलेगा आपको वाइल्ड टाइप? नहीं मिलेगा। या D4 D6 को कराइए, क्यों? क्योंकि ये सभी क्या कर रहे हैं, देखिए ओवरलैप कर रहे हैं, D2, D3, D4, D6 ये सभी क्या है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो रिकवर नहीं करेंगे। और म्यूटेंट्स जो साइट है, अगर म्यूटेंट D5 को भी कराएं, तो जो म्यूटेंट साइट्स हैं, ये जो म्यूटेंट साइट्स हैं, ये भी क्या हो रही हैं, इन पे ओवरलैप कर रही हैं, तो हमें नहीं मिलेगा। पर अगर जो म्यूटेंट है, अगर D1 से ही करवाएं, D1 और D5 का कराएं, तो आप देख रहे हैं कि म्यूटेशन कहीं हुआ है, डिलीशन कहीं हुआ है, तो हमें वाइल्ड टाइप रिकवर हो जाएगा, पर D1, D5 और D7, क्योंकि ये क्या है, इनमें ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हम मैपिंग कर सकते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोगों को और समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए, अब देखिए यहाँ पे भी डिलीशन मैपिंग का भी डेटा, अब डेटा पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि किस तरीके से एक तरह के डेटा पर क्वेश्चंस थोड़े डिफर आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक डेटा दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफाज स्ट्रेन्स हैं। कितने स्ट्रेन्स हैं? बैक्टीरियोफाज के 6 स्ट्रेन्स हैं। तो 1-1 मान लीजिए वो तो 0-0 आएगा, 2-2 0-0 ही आएगा। इस 0 का मतलब क्या है कि वाइल्ड टाइप रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 और 2 0 आ रहा है, 2 और 3 क्या हो रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, इकोलाई स्ट्रेन के K12 सेल्स में ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यानी 2 और 3 ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे उनके जो साइट्स होंगे, ठीक। 2 और 4 भी नहीं कर रहा है, उसी तरीके से 3 और 4 नहीं कर रहा है, 3 और 5 नहीं कर रहा है। तो एक डेटा को रीड करके हम आराम से क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं या म्यूटेशंस कहाँ हुआ है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसी को अगर देखें कि क्या हुआ है कि 1 और 3 पोर्शन जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है ना। क्यों ओवरलैप नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें तो ग्रोथ मिलेगी K12 सेल्स में। उसी तरीके से देखा जाए सेकेंड और थ्री भी ओवरलैप नहीं कर रहे, 3 और 4 भी ओवरलैप नहीं कर रहे। तो जो पोर्शंस ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वहां पे हमें क्या होगा कि हमें वहां पे ग्रोथ K12 सेल्स में मिलेगी, ठीक। पर अगर हम देखें 1 और 2 0, यानी कि क्या हुआ कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक। तो ओवरलैप करने की वजह से ग्रोथ क्या होगी, नहीं होगी। उसी तरह से 2 और 5 क्या है, 2 और 6 ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस बिहाफ पे हम लोग ये देख रहे हैं
कि हम लोगों ने पूरे एक क्रोमोसोम को क्या कर दिया है, पूरा डिलीशन के थ्रू ही और अपनी डिफरेंट म्यूटेशनल एनालिसिस के थ्रू हम मैप कर सकते हैं। और म्यूटेशन कहाँ हुआ है ये भी हम बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अगर देखें को इन्फेक्ट विद स्ट्रेन 1, 2, 3, 4 मतलब 6 स्ट्रेन दिए हुए हैं, ठीक, और एक म्यूटेंट स्ट्रेन X है। इन जब इस X म्यूटेंट स्ट्रेन को यानी बैक्टीरियोफाज, एक X नाम का बैक्टीरियोफाज जो कि म्यूटेंट है, उसको जब 1 के साथ कराया गया तो 0 यानी नो ग्रोथ, 2 के साथ कराया गया नो ग्रोथ, 3 की के साथ कराया गया तो ग्रोथ हुई, 4 के साथ कराया गया तो हुई, 6 के साथ कराया गया तो हुई और 5 के साथ नहीं हुई। तो अब हम ये बता सकते हैं कि जो पॉइंट म्यूटेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। अभी जो हम लोगों ने पिछला मैप बनाया था उसी को देख के हम लोग ये आराम से बता सकते हैं, कहाँ बता सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन कहाँ पे हुआ होगा, ये जो रीजन है फर्स्ट, यहीं पे हुआ होगा, फर्स्ट, सेकेंड और फाइव, फर्स्ट, सेकेंड और फाइव। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैपिंग रीजन है, यही पॉइंट म्यूटेशन हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अगर होती है तो हमें वाइल्ड टाइप रिकवरी नहीं होगी। पर अगर म्यूटेशन यहाँ पे होता, अब जैसे यहाँ पे म्यूटेशन था, ठीक, और आप इस स्ट्रेन के साथ, बात को आई थिंक थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, मान लेते हैं यहाँ म्यूटेशन हुआ है, ठीक। अब ये वाला जो स्ट्रेन है, वन स्ट्रेन को अगर आप हम लोग 4 स्ट्रेन के साथ अगर कराएं, 4 के साथ, तो क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं है, तो ओवरलैपिंग नहीं है तो हमें क्या मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे हमें यही समझना है, सच अ डिलीशन मैप, वन के नाउ क्विकली मैप द लोकेशन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन बाय को इन्फेक्टिंग ईच ऑफ द डिफरेंट डिलीशन स्ट्रेन्स हियर 1 to 6 विद द म्यूटेंट स्ट्रेन X, देयर इज नो लॉन्गर एनी नीड टू कॉम्प्लेक्स, सिंपली सी वेदर देयर इज ग्रोथ और नॉट। सिर्फ हमें क्या देखना है, ग्रोथ हुई है कि नहीं। तो जहां जहां सिंपल क्या हुआ, जहां जहां पे ग्रोथ नहीं हुई है, पॉइंट म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन या डिलीशन वहीं पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो फर्स्ट स्ट्रेन है, अगर हम पूछे वही सिर्फ फर्स्ट और सिक्स स्ट्रेन को आप कराएंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, यस होगी, क्योंकि म्यूटेशन है यहाँ पे और ये ओवरलैप नहीं कर रहा है जो साइट्स है। उसी तरह 1 और 3 में आप देखें तो ग्रोथ हो रही है, 1 और 4 में हो रही है, अगर इन्फेक्ट करा रहे हैं फर्स्ट स्ट्रेन और फोर्थ स्ट्रेन को तो ग्रोथ हो रही है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर फिर से कोई अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, वैसे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इस डिलीशन मैपिंग को भी कवर अप करेंगे और डिटेल में और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे प्लस। तो अब इसके बाद, इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद क्या नया टर्म आया, म्यूटॉन। दे आर एलिमेंट्स विद अ जीन दैट कैन अंडरगो अ म्यूटेशन एंड लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप। द टर्म म्यूटॉन इज अ यूनिट ऑफ म्यूटेशन। तो उन्होंने क्या बताया कि म्यूटेशन, वो म्यूटॉन जो है वो यूनिट है जहां पे किसी प्रकार का म्यूटेशन पॉसिबल हो सकता है। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि भाई एक सिस्ट्रॉन में बहुत सारे रिकॉन हो सकते हैं और ईच रिकॉन मे हैव सेवरल म्यूटॉन्स, क्योंकि एक रिकॉम्बिनेशन में बहुत सारे हो सकते हैं म्यूटेशनल इवेंट्स, राइट। तो ओके, थैंक यू। वीडियो अगर आपको समझ में आया, लेक्चर क्लियर किया हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू सो मच।